हरदोई की कोतवाली देहात पुलिस ने एक युवक की हत्या का खुलासा करते हुए हत्या में शामिल एक युवक को गिरफ्तार किया है। हत्या आरोपी के पास से मृतक का मोबाइल व हत्या में प्रयोग करने वाला डंडा भी बरामद किया गया है। मृतक का शव सीतापुर जनपद के महमूदाबाद थाना इलाके में जमीन में दफन कर दिया गया था, जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया था। हत्या आरोपी ने युवक की हत्या इसलिए की थी क्योंकि उसके बेटे के साथ फोन पर उसने अभद्रता की थी। मामले का खुलासा करते हुए एसपी अमित कुमार ने बताया कि 10 जनवरी को कोतवाली देहात इलाके के खुटहना गांव निवासी रामकली ने अपने पति राम प्रकाश की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर इसकी बरामदगी के लिए टीम लगाई थी। पुलिस को सीतापुर जनपद के महमूदाबाद थाना इलाके के बीचपुरी गाँव से जमीन में दफन मृतक का शव मिला था। पुलिस ने इस मामले में इसी गांव के रहने वाले वीरेश कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि मृतक ने हत्यारोपी वीरेश कुमार वर्मा की बेटी के फोन पर फोन करके अपशब्द कहे थे। बेटी ने इस बात की शिकायत अपनी मां से की थी। इस बात से नाराज होकर उसने अपने पत्नी से मृतक को फोन करके बुलवाया और डंडे वार कर उसकी हत्या कर शव को दफन कर दिया था। इस मामले में कोतवाली देहात प्रभारी निरीक्षक रंधरा सिंह की टीम ने युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से आला कतली डंडा व मृतक का मोबाइल भी बरामद किया है। एसपी ने बताया कि आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया है। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। एक व्यक्ति जो 2 जनवरी को गुमशुदा हुआ था, परंतु घर वाले उसको लगातार खोजते रहे, उसके पास 10 तारीख को उन्होंने आके मुकदमा दर्ज कराया, जिसपे धारा 364 IPC का मुकदमा दर्ज किया गया कोतवाली देहात में। ये राम प्रकाश नाम का व्यक्ति गायब था। बाद में जब पूरी विवेचना की गई तो इसमें यह पता चला कि राम प्रकाश नाम का व्यक्ति, जिसका ननिहाल महमूदाबाद सीतापुर जनपद में पड़ता है, वहाँ पे किसी लड़की को ये फ़ोन करके परेशान किया करता था, जिसके संबंध में जब और जानकारी की गई तो वीरेश नाम के व्यक्ति ने बताया कि उसके घर में उसकी बेटी और उसकी पत्नी को फ़ोन करके ये उल्टी सीधी बातें किया करता था। तो वीरेश ने उसे बहाने से अपने पास बुलवाया और उसकी मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करके शव को वहीं गाड़ दिया। बाद में जब सर्विलांस इत्यादि की मदद से इस बात की पूरी जानकारी मिल गई तो इसकी निशानदेही पर वहाँ से शव को बरामद किया गया। महमूदाबाद में बिजपरी गांव है, बिजपरी गांव में जो वीरेश रहता है, वीरेश के खेत से ही बॉडी बरामद की गई और वहाँ से मृतक का मोबाइल और जो हत्या में प्रयुक्त डंडा इत्यादि था वो सब भी बरामद किया गया और इसी संबंध में वीरेश को जेल भेजा जा रहा है। वीरेश के साथ में इसका एक भतीजा नरेंद्र, वो भी इसमें शामिल था, वो अभी फिलहाल फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।